नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। सग रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर महिला मैराथन दौड़ का DAVPG कॉलेज मैदान में हुआ आयोजन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया आयोजन। आजमगढ़, महिलाओं की शक्ति का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से भारतीय विद्यार्थी परिषद ने DAVPG कॉलेज मैदान में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया। मीडिया से हुई बातचीत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक संदीप सिंह गौर ने कहा कि आज महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, वे हर काम बखूबी कर सकती है जो पुरुष। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के उपलक्ष्य में जहां हम एक मिनी मैराथन का खास तौर से महिलाओं के लिए एक प्रतियोगिता रखी है, जिसमें आप सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम सभी ने महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के लिए आज मैं वेदांगी राय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्रा प्रमुख, आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर। यहाँ हम मिनी मैराथन का, जिसमें महिला व पुरुष दोनों ही भाग ले रहे हैं, का एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आज के समय में जो लड़कियां को पीछे समझा जा रहा है, उन्हें यह बताना कि हमारे उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई, जब हम औरतों के ऊपर इतनी बंदी से थी, उस समय अगर वो अपनी बंदी से तोड़कर लोगों का सामना कर सकती हैं, लोगों का नेतृत्व कर सकती हैं, तो आज की महिलाएं भी कोई भी कम नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं संदीप सिंह गौर। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर आज महिला मैराथन का आयोजन किया गया है डीएवी डिग्री कॉलेज कैंपस के अंदर, जो है ताकि इससे एक महिलाओं का उत्साहवर्धन हो सके। और जो लोग सोचते हैं कि महिला है, महिला कुछ भी नहीं कर पाएगी, महिला को कमज़ोर शक्ति मानते हैं, तो हम लोगों का ध्येय है कि महिला आज वह सब कुछ कर सकती है जो पुरुष करने में पीछे हैं, और महिला उनके साथ बराबर से कदम मिलाकर पूरा कार्य करने में सक्षम है। अब वह महिला नारी नहीं, अब वह नारी अबला नहीं सबला हो गई है, जो कि पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके हर कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने में उनका सहयोग कर रही हैं। और हम लोगों को उनके उत्साहवर्धन की ज़रूरत है ताकि वह समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, जो उसमें थोड़ा उनका उत्साहवर्धन उसके वह और आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले सकें। है आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।